बात बता देता हूँ, कल का व्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, धमकी है भाई, सुन लो। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई लोग, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मस्त। घर से मैं फुल रेडी हूँ क्लास को जाने के लिए, बिकॉज आदि बोल रहा है कि आज थोड़ा सा जल्दी जाना है, पता नहीं क्या ही काम हुआ उसको। और हाँ, आज मैं इसको है ना चेंज करवा रहा हूँ भाई, बिकॉज मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को मतलब इवन घर के लोगों को तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग 90% लोगों को, मतलब 100 जितने लोगों को मैंने पूछा, 90% लोगों ने मुझे यही बोला है कि इससे अच्छा है ना सर्कल फ्रेम में रहना। तो मैं ही वही करूँगा, तो अभी इसको मस्त पैच करके ले जा रहा हूँ भाई। वो स्क्रैचेस वैचेस अगर आ गए तो फिर वो अंकल भी थोड़ा सा ही हल लेंगे कि नहीं, वो बात आ जाती है ना। इसको बैग में डाल के भाई, ये तो लेके आना पड़ेगा भाई पापा जी के गॉगल्स का। तो बिना गॉगल के तो मेरा लुक काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहा होगा, ऐसा मुझे भी और बाकी सबको भी लगता ही है। एनीवे चलो, अपन को अभी यहाँ से जाना है सीधा आदि के घर पर। आदि के क्या सामने ही तो घर है भाई उसका। चलो जल्दी से आदि के घर पर चलते हैं और वहाँ से मस्त उसके साथ निकलते कॉलेज क्लास के लिए। आज मेरा बार बार कॉलेज क्यों आ रहा है आज। तो भाई लोग, फाइनली अभी फ़िलहाल आदि आ गया और हम लोग मस्त निकल गए भाई। पता नहीं हवा इतनी तेज़ क्यों चल रही है सुबह सुबह अभी। यार अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मेरी दोस्त के रूम पे, पवन उसके रूम पे, जिस जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई थी वहाँ पे जा रहा हूँ मैं वापस, बिकॉज आशू को लाइब्रेरी में कुछ काम है और मुझे लाइब्रेरी में नहीं जाना भाई, बोर होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। लास्ट टाइम भी गया था, एक डेढ़ घंटा तो वहीं पे बैठे थे, कुछ तो काम था उसको। मैं नहीं जा रहा इस बार, तो मैं मेरे दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ, बाकी सब भी वहीं पे वेट कर रहे हैं, वहाँ से फिर सीधा अपन क्लास को जाएंगे। और हाँ, बिना गॉगल्स के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। तो चलो भाई लोग, फाइनली अभी फिलहाल मैं पहुँच गया मैं फ्रेंड के रूम में, बिल्डिंग में पहुँच गया जहाँ पे उसके रूम में। चलो अभी चलते हैं। वो भी रहता थर्ड फ्लोर पर था, उसको नीचे रूम नहीं मिला था, फिर उसको ऊंचाई से देखने का शौक था, पता नहीं क्या है। सो भाई लोग, फाइनली अपनी क्लास ख़त्म हो गई है और मैं ग्लास चेंज कराने, गॉगल्स चेंज कराने लेके गया था, लेकिन दुकान ही बंद थी, फिर बाद में चेक करना पड़ेगा, हमको चेंज करवाना पड़ेगा। तो अभी मुझे यहाँ से जाना है भाई आकाशवाणी, वहाँ पे मेरी ऑटो मिलेगी, बाकी मैं इधर से नहीं मिलेगी, इस साइड से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली यार, हमें वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन चलो भाई। तो भाई कुछ खाया नहीं आज मैंने, बस दूध पी के आया था मैं, ऊपर से गोलियाँ खा रखी है, सर्दी खांसी हो रखी है भाई, हमें प्रिंट क्या दिख रही है, हाँ सर्दी खांसी हो रखी है, तो गोलियाँ खा के आया था, तो थोड़ी सी नींद भी आ रही है चलते चलते भी। छोड़ो, चलो जल्दी से वहाँ से ऑटो पकड़ के निकलते हैं अपन। मतलब वहाँ से यहाँ आते तक है ना, मतलब कसम से बोर हो गया मैं फुल। अब मैं ऑटो नहीं लेके आया ना आज, मतलब एयरपॉड्स नहीं लेके आया मेरे, मैं बोर हो गया भाई, गाने सुनते सुनते आराम से आ जाता हूँ, पता नहीं चलता, लेकिन आज इतना बोर हो रहा हूँ ना मैं, पता नहीं क्या ही सीन है भाई। म्यूज़िक सच्चे में होना चाहिए भाई लाइफ में, सब हर किसी के लाइफ में होना चाहिए म्यूज़िक, मज़ा आता है म्यूज़िक के साथ। मैं मेरा पैर दुख रहा है, अगर हेडफोन शोर होते गाने सुनते सुनते मैं इजीली आ जाता, पता नहीं चलता, लेकिन आज है नहीं ना, तो काफ़ी अलग फील हो रहा है मुझे, जाने दो। अपन मस्त पहुँच गए स्टॉप तक, यहाँ से ऑटो लेते हैं, जल्दी ऑटो मिलनी चाहिए यार, ऑटो के भी काफ़ी नखरे हो रखे हैं अभी तो, कुछ 6-7 दिन से, मतलब नहीं 6-7 दिन से तो मैं ऑटो पर ही नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी होने नहीं चाहिए नखरे जाना। मस्त स्टॉप पे पहुँच गए और आते आते ही एक ऑटो छूट गई शायद से, या फिर नहीं जाने वाली है, तो चलो आई एम स्टिल वेटिंग। ये एक ऑटो आ रही है, शायद से ये अंकल ले जाए। गाड़गे बाबा से कब से भाई, मतलब कब का घर आ चुका हूँ मैं, और घर आके मस्त खाना वाना खा के मैं पढ़ाई 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अभी जा रहा हूँ भाई मेरी मम्मी को लेने, बिकॉज मम्मी गई है पता नहीं कहाँ पे, शायद वो आंटी के घर पे गए होंगे, मुझे लेके आना है। अभी 3-4 आंटी हैं आसपास, एक एक करके सबके घर पे जाके लेके आता हूँ भाई, ढूंढ के आता हूँ मम्मी को, पता नहीं कहाँ पे। तो भाई लोग, मम्मी जी को मैं ढूंढ के लेके आ गया हूँ भाई, मिल गए मम्मी जी। और आज मेरे बड़े मामा जी आने वाले हैं भाई, शाम को अभी इनका कॉल आया था कि वो ट्रेन में बैठे हैं अभी जस्ट, तो उनका आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मम्मी जी का ज़्यादा खुश है, इनका बड़ा भाई आना है, देख रहे हो भाई खुशी। हेलो, अब फिलहाल ना आई एम रेडी। होपफुली भाई अब ऑडियो क्लियरिटी अच्छी आ रही हो, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है यार इसको सेट करने में।
माइक वाइक सेट करा है मैंने कैसे तो भी। मेरे को अभी फ़िलहाल जाना है भाई मामा जी को लेने। बस ये शूट हो रहा हो बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऊपर से हेलमेट तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है मेरा, साइज़ में आ रहा है मेरे पास। सामने रही जस्ट अपनी बाइक। हेलमेट के साथ भाई फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ यार, क्या हो गया अभी इसको। तो भाई लोग फाइनली अभी फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूँ, पहुँच ही गया भाई ऑलमोस्ट, ये कह रहा था मैं बस मामा जी को ढूंढ के ले जाना है जल्दी से। अभी तो टेम्पररी पार्किंग चाहिए मुझे बाहर ही। थोड़ी सी दूर ही करनी पड़ेगी भाई, पहुंच गया यार। हेलमेट नहीं उतारने वाला मैं, ऐसे ही जाऊँगा बस। मामा जी ने पहचानना चाहिए मुझे, वरना क्या है भाई मामा जी ही नहीं पहचाने। नहीं वैसे तो हेलमेट का शटर ओपन कर लूँगा मैं। बस लग गई वाट, बिकॉज मुझे यहाँ पे दूर दूर तक कहीं मामा जी नहीं दिख रहे। थिंक सो मुझे ओपन करना ही पड़ेगा, हेलमेट भी निकालना पड़ेगा। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मैं मामा जी को लेके घर पे ड्रॉप कर दिया और भाई मैं वापस जा रहा हूँ बिकॉज मुझे गॉगल चेंज कराना था। तो अभी उनकी दुकान खुली है तो जाके आते हैं भाई, बिकॉज बिना ग्लासेस के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या मतलब हो गई है भाई अभी आदत तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दिखता नहीं, सब क्लियर दिखता है भाई, मतलब नंबर का चश्मा नहीं है मेरा, सिर्फ ऐसे ही लगा के रखता हूँ, लेकिन बिना उनके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं जाके लेके आता हूँ। तो उन्होंने दिया था वो भाई मैंने इसमें मस्त संभाल के रखा है, ये देखो इसमें मस्त संभाल के रखा है। अब मेरा एक दोस्त आ रहा है उसके साथ मस्त, वो आ गया कि फिर निकलते हैं। सो हेलो, बस यही था आज का सेकंड पार्ट ऑफ न्यू एडवेंचर, बिकॉज कल से अब तो मस्त मस्त ब्लॉग आएंगे, उसमें मोटो ब्लॉग्स भी होंगे, डेली ब्लॉग्स भी होंगे, फूड ब्लॉग्स, सब मतलब मिक्सअप होने वाला है। तो बने रहना भाई चैनल पर और शेयर कर ही दिया करो यार, एक आध बार तो कर ही दिया करो। तो फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, होप सो आप सभी को अच्छा लगेगा।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।